आईपीएल का 2900 मैच चेन्नई और मुंबई के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा। चेन्नई की ओर से अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन दोनों जल्दी आउट हो गए। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। गायकवाड़ ने इस मैच में 5 छक्के और 5 चौकों की मदद से 40 गेंदों में 69 रन की पारी खेली। गायकवाड़ के आउट होने के बाद में शिवम दुबे ने भी 38 बॉलों में 66 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से सबसे महत्वपूर्ण पारी रही वो रही एमएस धोनी की। एमएस धोनी ने अंतिम ओवर में हार्दिक पांडे के 20 रन मारे। धोनी ने अंतिम 4 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 20 रन की पारी खेली। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। 207 रन के लक्ष्य की अपेक्षा करने के लिए मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पारी शुरुआत करी। ईशान किशन मैच में जल्दी आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन दिखाया। रोहित शर्मा इस मैच में अंत तक टिके रहे। शर्मा ने इस मैच में 63 बॉलों में 105 रन की पारी खेली। शर्मा के साथ साथ तिलक वर्मा ने भी 20 बॉलों में 31 रन की भूमिका निभाई, लेकिन मुंबई की टीम यह मैच नहीं जीत सकी। मुंबई की टीम यह मैच 20 रन से हार गई और मुंबई ने 20 ओवर में 106 रन बनाए। इस मैच में चेन्नई की ओर से महेश पथराणा ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए पथराणा को इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अब वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें।